Welcome to season 2. मेरे बाल काफी बड़े हो रहे थे, कटवाना पड़ा। तो सीजन नया है, लुक नया है और हवाओं से पता लगता है कि एक नया मौसम भी आने वाला है। लाम के साथ सुबह जब मैं छत में गया और आसपास देखा और हवा को महसूस किया तो मुझे पीबी शेली का एक कोट याद आ गया। ओ विंड, इफ द विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। फेब्रुअरी के लास्ट के कुछ दिन और मार्च के पहले कुछ दिन, इफ़ यू आर लकी, कुछ ईयर कोलकाता में एक्चुअल में स्प्रिंग होते हैं। और फिर आता है भयानक गर्मियों वाला सीजन। इट गोज टू 40 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे एंड इट्स अ हॉरिबल टाइम। पर अभी सेल्सियस जो है वो 16 के आसपास है एंड इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट। बहुत ही अच्छा मौसम है बाहर। कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, पर अभी बाहर निकल के लगता है कि हमने एक तरीके से उसके साथ रहने का एक इंतज़ाम सा कर लिया है। पर कोरोना का इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। तेज़ी से भारत की गरीब जनता और गरीब होती गई, ऐसा सर्वे कहता है। आँख घुमाऊँ तो हर तरफ ऐसे लोग दिख जाते हैं जो कोरोना से पहले कुछ और करते थे और कोरोना के बाद कुछ और करते हैं। रस्तों में शादियाँ हो रहे हैं, ये सब पहले भी मैंने देखा है, पर वो एक बहुत पहले का वक्त था। तब मैं छोटा था, तब कहाँ पता था कि बड़े हो जाएंगे तो उम्र के साथ साथ नॉर्मल भी बदल जाएगा। I'm so tired of COVID, and I'm also so tired of war. जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब यहाँ से हजारों मील दूर यूक्रेन में रशियन सेना ने हमला बोल दिया है। और किसने सोचा था कि सीजन 2 का पहला वीडियो इस पे बनाना पड़ेगा। ऐसा हो गया कि एक जंग जाता है और दूसरा जंग आ जाता है और हर बार कुछ चीजें सेम होती है कि फैमिलीज उजड़ जाते हैं, बने बनाए घर बिखर जाते हैं, पैसों का लॉस, जिंदगी का लॉस, सब वो सेम रहता है, वो सेम है। पर हम है कि हम सीखते नहीं उनसे और छेड़ते रहते हैं जंग। क्या आप लोगों को पता है यूक्रेन की राष्ट्रपति के बारे में? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनका नाम है, जो यूक्रेन की प्रेसिडेंट है इस वक्त। और मजेदार बात यह है कि ये साहब पहले कॉमेडियन थे और ये इतने पॉपुलर हुए और यूक्रेनियन जनता ने सोचा कि ही इज़ द राइट मैन टू लीड अस। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यही कुछ ही महीनों पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान ने इन्वेस्टमेंट किया था, तब अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो तो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल गए और निकल के सेफ्टी में चले गए। यहाँ पे भी सेम ऑफर अमेरिकन्स ने ज़ेलेंस्की को किया था, जो कि एक और काफ़ी मज़ेदार ट्रिविया है कि ज़ेलेंस्की खुद रशियन ओरिजिन से है, वो रशियन बोलते हैं, पर वो यूक्रेन की सॉवरेंटी के लिए लड़ रहे हैं। और जब अमेरिका ने उनको ऑफर दिया कि आप चलो हम आपको यहाँ से सेफली निकाल देते हैं, तो वो हीरो के माफिक कहा कि मैं नहीं हटने वाला और मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। वाह भाई, क्या इंस्पायरिंग है, टू मच। ज़ेलेंस्की, आई होप कि आप जीत जाओ, आई रियली डू। Take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should fear me. The sun is setting, don't trust your hearing. और हाँ, मैं कहाँ गायब था इतना दिन बीच में। एक काम करते हैं, कल आओ, कल विस्तार से बात करते हैं, कल इसी पे बात करेंगे। आज के लिए इजाजत, बाय 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 बाय।
girl, believe me.